ये पावन घड़ी जिसमें अयोध्या नगरी अभी 23 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा के, अनुराग जी हर्षित खूब खुश गदगद दिखाई दे रही है, उसमें आखिर समझ नहीं आ रहा है कि विपक्षी दल ऐसा क्या। अब कांग्रेस पार्टी के लिए आप कहेंगे कि आप उन्हीं से पूछे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अब देखिए ये लोग धर्म के आंगन से लेकर सियासत के आंगन में प्रभु राम को ला रहे हैं। क्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करना, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करना सियासी आंगन है? देखिए, हवाई अड्डे और रेलवे अड्डे की तो किसी ने कोई बात ही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जरूर राजनीति कर रही है। प्रभु राम हम लोगों ने हमेशा से कहा है हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें करती है कि देखिए विपक्ष विरोध कर रहा है, अरे कौन विरोध कर रहा है, कहां विरोध कर, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। देखिए कहां विरोध कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। अरे आपकी पार्टी को तो न्योता नहीं गया है, आचार्य जी बताएंगे हमें कि आखिर ऐसा अधीर बाबू क्यों कह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के आप साथी हैं इसलिए मैं पूछ रही थी। आज आप लोग खुश है कि नहीं है, टिकट कटवाया कि नहीं आपने अयोध्या जाने का, आने वाले वक्त में जनवरी में शुरू होने वाला है। एक बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तो बुलाने वाली कोई होती नहीं है, प्रोग्राम के ठेकेदार भी नहीं है। बस प्रभु राम बुलाएंगे तो सभी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार क्यों मान रही है? प्रभु राम की ठेकेदार हो सकती है क्या? कोई व्यक्ति प्रभु राम का ठेकेदार हो सकता है क्या? प्रभु राम तो कण कण में है, हर एक के साथ प्रभु राम है, हर जगह प्रभु राम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा बता रही है कि जैसे प्रभु राम को वो बुला रहे हैं। अरे प्रभु राम बुलाएंगे सभी जाएंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है। हमारे लिए आस्था का विषय फर्क, जैसे आप बोले कण कण में राम, वो एकदम गदगद हो गए प्रेम शुक्ला जी, एकदम ललाट उनका खिल गया। देखिए प्रेम शुक्ला, ये तो खुशी का वक्त है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, नहीं, आज के दिन अधीर बाबू कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल आंगन में जा रहे हैं। आज तो मतलब अयोध्या को सिर्फ एक मंदिर नहीं मिल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल रहा है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में, 10 लाख यात्री आ जा सकेंगे, रेलवे स्टेशन मिल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण, तो खुशी की बात है। क्या पॉलिटिकल क्या है? देखिए अंजना जी, पहली बात यह है कि हवाई अड्डा बनना बहुत अच्छी बात है, रेलवे स्टेशन बनना भी अच्छी बात है, जितने डेवलपमेंट के काम हों बहुत अच्छी बात है। लेकिन हवाई अड्डे हजारों बन जाएं, रेलवे स्टेशन हजारों बन जाएं, बस स्टैंड लाखों बन जाएं, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, और मंदिर अपने उस आकार को, वो सपना जो लाखों करोड़ों आंखों ने देखा कि भगवान के जन्म स्थान पर उनका मंदिर बने, वो सपने को देखने के लिए कितनी आंखें थीं जो बंद हो गईं, कितने लोग थे जो चले गए, और कितने अरमान थे जो बेचारे पूरे हसरत पूरे किए बिना निकल गए। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, और आपका, हमारा, सबका, सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की धाम पीठाधीश्वर जाग गए हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछूं, क्या आपको मन में ये था कि अपने जीवन काल में आप ये मंदिर इस तरह से बनते देखेंगे, या संदेह होता था कि शायद ना देख पाए? अंजना जी, आपने बड़ा मार्मिक प्रश्न किया है, लेकिन सच बताऊं ये डाउट लगता था कि हम अपनी आंखों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बनते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे, इस पर बड़ा डाउट था। लेकिन अंतरात्मा अंदर से कहती थी कि एक दिन बनेगा, और वो दिन आया है। ये जो 22 जनवरी है अंजना जी, आंखें भर रही हैं आप। अंजना जी, ये जो 22 जनवरी है, भगवान राम का जो अवतरण है वो रामनवमी के दिन हुआ, लेकिन 22 जनवरी को राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिन है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता राम के बिना है कहां? राम के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। माफ करना, आई एम सॉरी टू से, किसी को बुरा लगे भला लगे मैं उस पर कोई फिक्र नहीं करता। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम राज्य का सपना जानते किसने देखा? महात्मा गांधी का सपना था। जिस समय महात्मा गांधी की छाती में गोली लगी और धरती पर महात्मा गांधी गिरे, अंतिम शब्द क्या था? हे राम। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे भारतवासियों के लिए उत्सव का दिन है। इस उत्सव के दिन पर सबको खुश होना चाहिए। राम सबके हैं, सब राम। तो इकबाल अंसारी पहुंच गए। इकबाल जी, आवाज आ रही है? इकबाल जी, आज आपने भी पुष्प वर्षा की, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए जरा। इकबाल जी, आप भी रोड शो में खड़े थे, प्रधानमंत्री पर आप गुलाब के पंखुड़ियां कर रहे थे, और आपको तो फेस बनाया गया जो एंटी राम मंदिर मूवमेंट था, पक्षकार थे कोर्ट में इसके खिलाफ, लेकिन आप भी
रोड शो में पीएम पर फूल डाल रहे थे, क्या सोच है आज? देखिए हमारी सोच जो है अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में जितने भी लोग आएंगे वो हमारे मेहमान हैं और अयोध्या में स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अयोध्या आए, हमने उनके ऊपर फूल जो है पुष्प वर्षा किया, हमारे साथ जो है अयोध्या के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे, पुरोहित समाज भी खड़ा हुआ था। तो हम अयोध्या की धरती के रहने वाले हैं, इसलिए हम जो है जो भी मेहमान हमारे यहाँ आएंगे वो स्वागत योग्य हैं। और जो पुष्प वर्षा हमने किया वो जो है हमने सोच समझ के किया है कि हमारे देश की तमाम जो है परियोजनाएं लेकर के जो है प्रधानमंत्री जी आए हैं। अयोध्या में रोड है, रेलवे स्टेशन है, तमाम जो है परियोजना अयोध्या में आई और जिसका लोकार्पण हुआ, जिससे सर्वधर्म संभव। तो इकबाल अंसारी जी इस देश की नींव है, बड़ा हो गया और वो नींव इतनी मजबूत है कि कोई आए जाए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि राजनीतिक रूप से अयोध्या को अछूत बना दिया गया था, कोई वहां जाना नहीं चाहता था, उसका नाम लेने से कई पार्टियां बचती थी। लेकिन आज वो दिन भी आया है, पीएम वहां पर विकास की सौगात लेकर 22 जनवरी को क्या करिएगा? उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी पीएम पहुंच रहे हैं, जाइएगा? देखिए अयोध्या में तो जो है चार मेला होता है, अयोध्या में बहुत से आदमी जो है आते जाते हैं, अयोध्या में दर्शनार्थियों की कमी नहीं रही कभी भी, क्योंकि अयोध्या में सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, तो अयोध्या में बहुत से लोग आते हैं। आज का दौर है, चलिए भगवान राम का मंदिर बन गया है और अयोध्या की खूबसूरती बढ़ाई गई, एयरपोर्ट को दिया, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और तमाम परियोजनाएं अयोध्या में आई, तो इससे अयोध्यावासी भी खुश हैं और आने जाने वालों को के लिए बहुत सी सहूलतें मिली हैं। प्रधानमंत्री जी जो है स्वागत योग्य हैं, इसलिए हमने पुष्प वर्षा किया। ये तो आपने पूरा अयोध्या पर एक अच्छी खासी एक दो पन्ने लिख दिए। सवाल सुनने नहीं क्या हम पूछे, 22 जनवरी को पीएम प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं, उस दिन को आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है आ रहे हैं। देखिए जब जो है 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं एक पत्ता नहीं हिला, तो आज जो है मंदिर बन के तैयार है जो है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सारे 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 मेहमान जो है देश विदेश के आएंगे और अयोध्या के लोग सभी खुश हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग खुश हैं। बहुत अच्छी बात इकबाल जी, यही सद्भाव है। अंजना जी मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, आपसे सवाल तो पूछा ही नहीं मैंने, जो आपसे और अनुराग जी से पूछना है। कांग्रेस पार्टी अभी तक साफ नहीं कर पा रही, प्रेम शुक्ला जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी सर, कांग्रेस पार्टी साफ नहीं कर पा रही कि हम लोग जाएंगे। अधीर बाबू से पूछो तो कहते हैं कि आला कमांड डिसाइड कर, क्योंकि उनको भी न्योता गया है, आला कमांड डिसाइड करके बताएगा तब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आला कमांड की तरफ से मतलब सोनिया जी को इनवाइट गया है, वो कुछ बोली नहीं रही आपकी पार्टी। उधर IUML वाले केरल में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साफ करे ना जाए, ये क्या चल रहा है? वाम दल आपके साथ इंडिया गठबंधन में, वो कहते हैं न्योता मिला है सीताराम येचुरी लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्यों? देखिए अंजना जी, राम राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है, राम भारत की संस्कृति और सभ्यता का विषय है, हाँ। राम सनातन का विषय है, हाँ। राम सत्य है, हाँ। राम शाश्वत है, हाँ। राम ही सनातन, हाँ। है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है और उसको अस्वीकार करना मुझे नहीं लगता कि किसी को करना चाहिए। सबको जाना चाहिए, राम सबके हैं, सब राम के हैं, सबको जाना चाहिए, लेकिन जाना ना जाना ये तो व्यक्ति का निजी विषय है। मैं यहां से ये कहना चाहूंगा कि जिसको निमंत्रण मिला है उसे भी जाना चाहिए और जिसको निमंत्रण नहीं मिला है उसे भी जाना चाहिए। अनुराग जी अखिलेश जी के लिए कह रहे हैं, देखिए देखिए कमाल की बात है, मैंने क्या बोला, एक तरफ कहते हैं प्रभु राम आस्था का विषय है, दूसरी हमें कहते हैं राजनीति, तो वो भी तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि प्रभु राम हमारी संस्कृति है, संस्कार है, सनातन है, प्रभु राम की बात जब होती है तो प्रभु राम बुलाएंगे तो सभी जाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी तो प्रभु राम की ठेकेदार नहीं हो सकती ना, कोई भी दल ठेकेदार नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति ठेकेदार नहीं हो सकता, प्रभु राम तो कण कण, मैंने पहले बोला न्याय राज्य सरकार, पूरी बात हो जाए, पूरी बात, न्याय राज्य की बात कर रहे हैं ना, राम राज्य मतलब क्या होता है, न्याय राज्य, तो न्याय राज्य की जो परिकल्पना की गई थी, जो प्रभु राम का न्याय राज्य था, क्या न्याय राज्य की बात आप करते हैं? आज आपने तो अन्याय राज्य बना रखा है पूरे देश के अंदर में,
और प्रभु राम की बात करेंगे इशारा कर रहे हैं, ऑडियो नहीं जा रहा है, हो ही नहीं सकते आप तो राम भक्त हो ही नहीं सकते। जब अन्याय राज करेंगे आप, जब देश के संविधान को भी नहीं मानेंगे तो आप तो अन्याय राज कर रहे हैं ना, तो न्याय राज की तो बात कर ही नहीं सकते। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की भक्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु राम के आचरण पे नहीं चल रही है वो। प्रभु राम के आचरण पे चलती तो शायद उनको थोड़ा बहुत हम कह सकते थे कि प्रभु राम की बात करती है, प्रभु राम की बात करती है, उनको आचरण को नहीं अपनाती है। इकबाल अंसारी जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आप इधर क्रोध वर्षा कर रहे हैं। आज के दिन तो खुश दिखिए अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी जवाब। खुशी तो हूँ, अन्याय राज कर रहे हैं, ऐसे में आपकी बपौती नहीं है, या आपका जो भी उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ अधिकार नहीं, हमारी नहीं, हमारी बपौती तो है, हमारी बपौती राम के प्रति, हमारी जो गर्ग वंश के, जो हमारे कुल के जो प्रथम ऋषि हुए उनसे लेके आज तक हम तो राम में ही आस्था रखते हैं। हमने बाबर में कभी आस्था नहीं रखी। और ये आज सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि कण कण में राम है। अरे साहब, कण कण में राम थे तो बाबर का जाप इतने दिनों तक क्यों लगा रखा था? बाबरी के समर्थन में जो है झंडा क्यों गाड़ रखा था? सरयू को लाल करने का दुष्कर्म क्यों कर रखा था? और रंजना जी, मैं तो 1990 की कार सेवा का पत्रकार के रूप में साक्षी रहा हूँ। उस समय रामदाना होता ना, रामदाना, उसका नाम बदलवा दिया था, मुलायम दाना कहला रहे थे ये। तो रामदाना का नाम मुलायम दाना करने का जिसने कुकृत्य किया हो, अगर वह भी राम राम जप रहा हो तो हमको प्रसन्नता होनी ही है। हम तो यही चाहते हैं कि राम में उस बाबरवादी की भी आस्था हो जाए और औरंगजेब वादी की भी आस्था हो जाए। यही तो है, हमेशा जो है लंका के लोग भी राम राम जपे, यही रामराज की परिकल्पना का सर्वोत्तम विस्तार था। तो आज जो है इनको कण कण में राम दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लिए वैचारिक विस्तार, निश्चित तौर पर जो हमारी सफलता का जो है ये निष्कर्ष। राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी आज कण कण में राम देख रही है, ये बड़ी बात कह रहे हैं वो। देखिए सवाल ये नहीं है, उनको ही पता है कि सभी लोग इस देश में, हिंदुस्तान में जो भी हिंदू समाज से आते हैं, चाहे हम हो, चाहे शुक्ला जी हो, चाहे कोई भी हो, सभी प्रभु राम को मानते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से सबको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं दूसरे नहीं मानते, हम मानते हैं। अरे आप कौन होते भैया? यहाँ सभी प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं इस हिंदुस्तान की, मैंने बोला संस्कृति संस्कार है। अगर नहीं कोई प्रभु राम को मानता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती।